टाइम पे आई है? हाँ फर्स्ट टाइम पे आई है। और मुर्रा में आ गई ना? हाँ जी मुर्रा में आ गई। तो कितने दिन हो गए इसे ब्याही हुई? इसे ब्याही हो गया 9 दिन। 9 दिन हो गए? हाँ जी। और दूध कितना निकाल रही? दूध दोनों टाइम 12-13 किलो खीस काट रही है। 12 से 13 किलो खीस निकाल रही है। हाँ नमस्कार जी। और क्या हाल चाल है? बढ़िया जी। और कहाँ से आए हो? मैं यूपी का। यूपी से आए हो? हाँ जी। कितनी बहस रही है कुलदीप जी के बारे से? अभी तो 2 ही लिए फिलहाल। 2 लिए, तीसरी एक की बात चल रही है। बात चल रही है ना। तो ये भैंस आपके सामने खड़ी है, आपने खरीदी है? हाँ जी। कौन से भैंस में ब्याही है अभी? ये सेकंड टाइम। दूसरी बार ब्याही है? हाँ जी। और दूध कितना बताया आपको? दूध तो जी बताया 15-80 में। 80 की पड़ी, बाकी खर्चा वर्चा लगा के 90 तक आपकी पहुँच हो जाएगी है ना? पारी होगी, पारी जाएगी है ना? पिछले ब्यांत में 20 लीटर दूध था। पिछले ब्यांत में 20 लीटर आप दूध निकाल रहे थे ना? तो उसकी आप कटड़ा बता रहे थे, कौन सा कटड़ा? ये 70-577 का इंजेक्शन है। 70-577 कितने दिन का हुआ जी? हाइट बहुत तगड़ी है बच्चे की। ये 19 दिन का है। मात्र 19 दिन का है? हाँ जी। अगर देखने के अंदर ऐसा लग रहा है कि कोई 3 महीने का कटड़ा भी इतनी हाइट नहीं खींच पाएगा है ना? अगर कट्टी आ जाती तो बेचते ही नहीं। कट्टी। नमस्कार दोस्तों, सराफ फार्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है जी। आज अपने आए हुए पशु मंडी क्राफ्ट सर। तो पीछे आप लोग देख सकते हो भैंसों की मंडी लगी है। तो हर बुधवार के दिन इस मंडी का लगने का टाइम है जी। तो वीडियो के अंदर आपको अलग अलग कुछ चुनिंदा वैसे कम दाम की, ज़्यादा दाम की, मीडियम रेट की, तो सभी वैसे आपको चलाकर दिखाएंगे। और वीडियो देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। उससे होगा कि आपको सबसे पहले जो वीडियो आएगी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा और आपको ताज़ा मंडी के अंदर जो भाव मोल चल रहा है उसके बारे में पूरी जानकारी रहेगी। तो जैसे हम लोग पशु मंडी डब्बाली, पशु मंडी रावतसर, हनुमानगढ़ और बेरबाड़ा, 4-5 मंडियां कवर करते हैं जी। उस मंडियों के अंदर क्या दाम चल रहे हैं तो उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगी जी। तो चैनल को दोबारा से बोल रहे हैं जी, सब्सक्राइब जरूर कर लो। और पीछे आपको मंडियों के मोल भाव के बारे में भी जानकारी लेकर बताते हैं क्या दाम वगैरह। तो दोस्तों आपको एक और भैंस चला कर दिखा रहे हैं जी। तो ऑर्डर क्वालिटी दोस्तों आप लोग देख सकते हो, थन वगैरह गैप पर। ब्याह के बारे में भाई से पूछते हैं जी, ब्याही है ब्याहने वाली है? 3 दिन की ब्याही। तो दोस्तों बिल्कुल ताजी 3 दिन की ब्याही हुई है भैंस, भाई साहब बता रहे हैं। तो दूध वगैरह के बारे में जानकारी लेते हैं जी, दूध कितना दे रही है और दाम वगैरह भी इस भैंस का क्या करें, इसकी पूरी जानकारी भाई साहब से लेकर बताएंगे। थन आप लोग देख सकते हो, डीला ऑर्डर इस वक्त इस भैंस का वो पड़ा हुआ है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब, क्या हाल चाल है जी? बढ़िया बढ़िया। अभी जो जी भैंस आपने जी चलाई है, हाँ जी, ब्याही हुई है? हाँ। कौन सी भैंस में ब्याही है? ये दूसरे ब्याही है। दूसरी बार ब्याही है? हाँ जी। और दूध कितना निकाल रही है? दूध दोनों टाइम 10 किलो तैयार है। तैयार है? हाँ। दोनों टाइम का? दोनों टाइम का। और क्या दाम कर रही है उसका? इसके 1 लाख रुपये। छोड़नी कितने तक है? छोड़नी 90 की। 90। बाकी मानतान मौके का? वो मानतान हो जाएगा मौके का, है ना? मौके का मानतान हो जाएगा। आपका दूसरी भैंस भी आपने जो चलाई थी जो जैसे? हाँ वो 3 दिन की ब्याही है साहब। वो 3 दिन की? हाँ ठीक है। तो कौन सी भैंस में ब्याही है? ये तीसरे ब्याही है। तीसरी बार ब्याही है? हाँ। इसका क्या दाम कर रहे हैं? इसके 1,15,000 रुपये का। और दूध कितना दे रही है? दूध अभी मौके का 12 किलो खींच काट रही है। 3 दिन की ब्याही है। 12 किलो खींच निकाल रही है दोनों टाइमों का? दोनों टाइम का। हाँ तीसरे दिन की ब्याही है। और तीसरा दिन हो गया इसे ब्याही हुई? हाँ जी। तो आपके आगे वाली भैंस उसकी डिटेल बताओ। हाँ, वो भी आपकी है? हाँ ये जुटी आपने। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो सिंह क्वालिटी के अंदर ये भैंस काफ़ी खूबसूरत है और चारों थन इस भैंस के गैप पर है। तो दूध के बारे में पूरी जानकारी थन वगैरह काफ़ी सुंदर और खूबसूरत थन इस भैंस के लगे हुए, सिंह क्वालिटी भी शानदार मंडी के अंदर ये भैंस आइए। तो सिंह आप दोबारा से साथ में देख सकते हो, तो कुंडी वाले सिंह के लगे और चारों काफ़ी गैप पर इस भैंस के बहुत लगे हुए। तो भाई साहब ये वाली भैंस जो भी आपकी चलाई है ये पहले ना साहब? फर्स्ट टाइम पे आई है? हाँ फर्स्ट टाइम पे आई है। और मुर्रा में आ गई ना? हाँ जी मुर्रा में आ गई। तो कितने दिन हो गए इसे ब्याही हुई? इसे ब्याही हो गया 9 दिन। 9 दिन हो गए? हाँ जी। और दूध कितना निकाल रही है? दूध दोनों टाइम 12-13 किलो खीस काट रही है। 12 से 13 किलो खीस निकाल? हाँ। कितना मुंह से? 2 दांत है। मुंह से 2 दांत? हाँ जी। दूध कितना? दूध हमारे आईडी से 15-16 किलो देना चाहिए पहले ने। 15 से 16 किलो इसको देना चाहिए? हाँ जी।
तो क्या दाम कर रहे हो इसका? इसके 135। छोड़नी कितने तक का? छोड़नी 125 की देंगे सर। 125 तक छोड़ दोगे ना? इससे कम नहीं देंगे। इससे कम नहीं होगा? नहीं होगा। एक भैंस आपकी और कौन सी रह रही है? एक वो रह रही है। तो दोस्तों लास्ट वाली भैंस आपको वो भी इनके चला कर दिखा रहे हैं जी। 6 भैंस भाई साहब बता रहे हैं देख रहे थे, तो अभी 4 भैंस उनकी फिलहाल मौके पर सेल के लिए ये बता रखी सर जी। 1,00,000 लंबे थन इस भैंस के भी लगे हुए हैं, तो दूध वगैरह के बारे में भैंस के बारे में और जानकारी इसकी भी भाई से आपको लेकर बताते हैं जी। तो भाई साहब ये भैंस अभी आपने जो चलाई है, हाँ जी, ये कौन सी भैंस? ये तीसरे की है। तीसरी बार ब्याई है? हाँ जी। और कितना दूध निकाल रही है? दूध अभी 12 किलो तैयार है। 11-12? हाँ, 10 दिन की ब्याई होगी, 12 किलो तैयार है। 10 दिन की ब्याई है ना? हाँ जी। तो इसका क्या दाम कर रहे हैं? इसके 85,000 रुपये करेंगे। छोड़नी कितने का है? छोड़नी हाँ 80,000 की है। 80,000 रुपये तक छोड़ दो। हाँ जी। बाकी कोई थोड़ा बहुत वो बस मान सम्मान हो जाएगा मौके का। हो जाएगा ना। तो आपका फोन नंबर फोन बता दो। 90-793-7-94। और कहाँ के रहने वाले हो? गाँव खोतावली, तहसील बिलिमा, जिला हनुमानगढ़। ठीक है भाई, ठीक है। साहब ने 72,000 रुपये इसका लगा दिया, लेकिन 72,000 रुपये के अंदर जो सौदा है वो पटा नहीं इस भैंस का। तो अगर इसका सौदा होगा तो अपने पूछ कर आपको बताएंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। और क्या हाल चाल है? बढ़िया जी, बढ़िया। और कहाँ से आए हो? मैं यूपी का चल। यूपी से आए हो? हाँ जी। कितनी भैंस लगी है कुलदीप जी के बारे से? अभी तो 2 ही लिए फिलहाल। 2 लिए, तीसरी एक की बात चल रही है। बात चल रही है ना। तो ये भैंस आपके सामने खड़ी है, आपने खरीदी है? हाँ जी। कौन से भैंस में ब्याई है अभी? ये सेकंड टाइम, दूसरी बार ब्याई है। हाँ जी। और दूध कितना बताया आपको? दूध तो जी बताया 15 किलो। 15 किलो? हाँ जी, दे देगी। दे देगी 15 किलो? लगता तो है, अभी काट लिया एक बाल्टी। तो क्योंकि आप तो पशु लेते रहते हो, आपको तो अनुभव ज्यादा होगा ना। हाँ जी। तो संभावना है ना। हाँ जी। तो कितने दिनों को ऐसी ब्याई हुई? ब्याई जी महीना भर हो गया। महीना भर हो गया। तो एक बाल्टी निकाली थी, कितना दूध निकला था उसमें? नापा तो था नहीं, अब अंदाजन 15 लीटर होगा वो। हाँ जी। हाँ, तो कितनी पैसे ले जाओगे मंडी में से? 3। 3 लेकर जाओगे? और 2, 3 मतलब अभी बन जाएंगी, 2 हाँ, और देखेंगे। 5 पैसे लेने। हाँ, का आपका मन है तो ये आपके वहाँ के देखने वाले जो अपने हैं व्यूअर्स, क्या बताना चाहोगे? बढ़िया रहती है मंडी ये? हाँ जी, बहुत बढ़िया। अच्छे पशु मिल जाते हैं इस मंडी में? बढ़िया पशु। तो ये भैंस आपने किस दाम में पड़ गई आपको? ये हमें पड़िया जी 80 में। 80 की पड़ी। हाँ, बाकी खर्चा वर्चा लगा के 90 तक आपकी पहुंच हो जाएगी है ना? पारी होगी, पारी जाएगी है ना, क्योंकि अपनी गाड़ी से आते हैं। आप खुद की गाड़ी से आते हो? हाँ जी। अगर और ये मतलब भैंस है जो? हाँ जी। हाँ जी। दूसरी भैंस आपकी दिखाओ आप। हाँ। तो दोस्तों आपको दूसरी भैंस भी भाई साहब की दिखाएंगे। तो यूपी से जो लोग आए हैं, खुद की गाड़ी लेकर 5 भैंस ले जाने का इनका मन है, तो चला कर दिखाओ जी। तो दोस्तों ये बड़े सींग वाली भैंस अपने बोल सकते हैं, तो इनसे पूछते हैं जी क्या दाम के अंदर ये पड़ी है। तो ये भाई कौन से भैंस की है? ये 3rd टाइमर बताइए। देखने में ऐसे लग रहा है कि 4थी और 5वीं भैंस की होने की संभावना। हाँ जी, हाँ जी। तो दोस्तों आप लोग ये चलते हुए भैंस देख सकते हो, तो उम्र में काफ़ी बड़ी भैंस लग रही है, लेकिन भाई से अपने पूछते हैं जी क्या दाम के अंदर ये भैंस इन्होंने खरीदी है। तो 2 भैंसे जो मंडी के अंदर भाई साहब ने ये ले लिया। तो भाई ये भैंस आपने कितना दूध क्या कर दिया आपको? 12 किलो दिया जी। 12 किलो? हाँ जी। निकाला आपने? हाँ जी, अभी पास करिए। अभी पास की है। हाँ, अभी निकालना है दूध? अभी निकालेंगे। अभी निकालोगे ना? हाँ जी। क्या दाम में पड़ गई ये वाली? ये जी 65। 65 की पड़ गई ना। हाँ जी। तो सही है, मतलब कोई भाई लेना चाहे तो इस मंडी में आ सकता है। हाँ ना जी, हर प्राइस का पशु मिल जाता है। अगर आपके साथ कोई आना चाहे तो आप ले आओगे? हाँ जी, ले आएंगे। तो आपका फ़ोन नंबर बता दो अगर। 9315268189। ठीक है, अगर कोई भाई आना चाहेगा जो भी होगा सिस्टम वो आप देख लेना, ठीक है? ओके। सो दोस्तों एक बड़ी भैंस आपको चलाकर दिखा रहे हैं जी। ऑर्डर क्वालिटी आप लोग देख सकते हो, चारों थन इस भैंस के गैप पर है। तो अच्छे दूध वाली ये भैंस बोलें तो उसके अंदर कोई दो राय नहीं है। तो पूरी जानकारी बाकी भाई साहब से लेकर बताते हैं जी क्या दाम वगैरह इस भैंस का कर रहे हैं और कितना दूध ये निकाल रही है। लेकिन ऑर्डर क्वालिटी देखें तो काफ़ी शानदार इस भैंस की वो रहने वाली है, काफ़ी खूबसूरत भैंस ये मंडी के अंदर आई हुई है। तो पूरी जानकारी बाकी भाई साहब से आपको लेकर बताएंगे जी दाम वगैरह ये क्या कर रहे हैं इस भैंस का और दूध कितना ये निकाल रही है।
पूरी जानकारी भाई से लेकर बताएंगे। तो ऑर्डर क्वालिटी की बात करें तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये काफी बड़ा ऑर्डर इस बैंक का वो लगा हुआ है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। क्या हाल चाल है जी? बढ़िया। और कहाँ से आए हो? नौरंगदेसर हनुमानगढ़ जिला। नौरंगदेसर से आए हो। सेल परचेज का काम है या घर की पाली? नहीं, घर की भैंस। तो घर की पाली हुई है तो भैंस आपने काफी जी तगड़ी कर रखी है ना? हाँ जी। तो कौन से ब्यांत में ब्याई है अभी? ये तीसरा ब्यांत। तीसरी बार ब्याई है। तो कितने दिन हो गए थे ब्याई हुई? इसको 19 दिन हो गए। 19 दिन हो गए। तो दूध पर आ गई होगी अब तो पूरी? हाँ, अभी तो मेला संटा है। अच्छा, तो कितना दूध दे रही है मौके का? अभी ये 17.5 लीटर दूध है। 17.5 लीटर दूध तैयार है? हाँ जी। दोनों टाइम का? हाँ, पिछले ब्यांत में 20 लीटर दूध था। पिछले ब्यांत में 20 लीटर आप दूध निकाल रहे थे ना? निकाल रहे थे। तो उसके आप कटड़ा बता रहे थे, कौन सा कटड़ा? ये 70-577 का इंजेक्शन है। 70-577। कितने दिन का हुआ जी? हाइट बहुत तगड़ी है बच्चे। हाँ, ये 19 दिन का है। मात्र 19 दिन का? हाँ जी। यार देखने के अंदर ऐसा लग रहा है कि वो 3 महीने का कटड़ा भी इतनी हाइट नहीं खींच पाएगा, है ना? अगर कट्टी आ जाती तो बेचते ही नहीं। कट्टी आ जाती तो फिर तो यार। तो ये भैंस आप क्या दाम कर रही है उसका? इसका भाई साहब 1,70,000 रुपये मांग रही है। और छोटनी कितने तक का है? मैं कोई छोटा मोटा गुंजाइश हो जाएगा, ज़्यादा तो मानता हो जाएगा। अगर कोई व्यापारी या किसान भाई आपसे लेना चाहेगा, जितना आप दूध बोल रहे हो 20 के करीब निकाल दोगे? हाँ, निकाल दो। अगर कोई आपके घर से भी लेना चाहेगा? हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं। तो आपका फ़ोन नंबर बता दो अगर कोई भाई लेना चाहे। 70-352-21,000। ठीक है, अगर मंडी के अंदर सेल होगी तो बढ़िया, अगर नहीं होती तो आप 20 लीटर निकाल कर दूध घर पे 2-4 टाइम चुबाई करके ले आ सकता है कोई भाई। ये 17 लीटर का दाम है, 20 लीटर होगा तो उस हिसाब से दाम उससे बढ़ जाएगा। अभी 17 निकाल रही है। हाँ, अभी 17। ठीक है जी।